सो हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नए स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि दोस्तों वन प्लस का नॉर्ड 4, जो कि अंदर 30,000 के में आए दोस्तों। तो 30,000 के फोन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है, लुक एंड डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी कैसा रहने वाला है दोस्तों, तो आज हम इसी वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अगर आप अपने फोन परचेस करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक बेसिक आइडिया हो जाए कि फोन आपके लिए कैसा होना है, कैमरा, डिस्प्ले क्वालिटी हर चीज बेहतर है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहे, तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास वन प्लस नॉर्ड 4 का बॉक्स, जो कि इस प्रकार का आपको मिल जाता है दोस्तों, जो कि दिखने में काफी अलग डिजाइन बॉक्स आपको दिया हुआ है। और पीछे की साइड में आपको यहाँ पे जो वेरियंट है, मेरे पास 8GB 256GB इंटरनल है, और यहाँ पे आपको कुछ भी कोई स्पेसिफिकेशन हाईलाइट नहीं किया गया है। तो बिना किसी देरी के फोन को पहले अनबॉक्स करते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट जो हमारा रहने वाला है दोस्तों, वो है सिलिकॉन बैक कवर, जो कि फोन को बैक से प्रोटेक्ट करेगा, ट्रांसपेरेंट है, लुक एंड डिजाइन दिखेगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है रेड क्लब, आपको यहाँ कार्ड मिल जाता है, सिम इंजेक्टर टूल है। फिलहाल इस सबको साइड में रखते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा फोन, और बाकी कंटेंट्स ये है टाइप ए टू टाइप सी केबल। और ये रहा फास्ट चार्जर, जो कि सुपरबुक फास्ट चार्जर है, जो कि आपको 100 वाट का सुपरबुक चार्जर मिल जाता है, यानी कि फोन को फास्ट चार्ज करने में आपको मदद करेगा। तो बॉक्स कंटेंट इतना ही दोस्तों, तो फिलहाल बॉक्स को सब साइड में रखते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे फोन की तरफ। तो ये रहा दोस्तों वन प्लस नॉर्ड 4, जो कि लुक एंड डिजाइन काफी खतरनाक दिया हुआ है। सारे ब्रांड का किसी से कंपेयर कीजिएगा तो अलग फ्रेश लुक आपको दे रहा है। तो ओवर लुक डिजाइन और इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है। आपको ये फोन कैसा लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं इसके बॉडी मटेरियल की, तो यहाँ पर साइड फ्रेम में आपको मेटल बॉडी आपको मिल जाता है, जो कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बैक में प्लास्टिक फ्रेम का आपको बॉडी दिया हुआ है, और ऊपर में ग्लास बॉडी मिल जाता है। और कैमरा मॉड्यूल है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रहा है दोस्तों, और ख़ासतौर पर जो ग्रीन कलर है काफ़ी बेहतर लग रहा है। बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, ऊपर की साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, और ऊपर की साइड में सेकेंडरी माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, यानी कि एसी टीवी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की साइड में स्पीकर ग्रिल है, यह मिल जाता है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है सिम ट्रे, जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर है, यानी कि फ़ोन का नोटिफिकेशन आप वाइब्रेट नॉन वाइब्रेट में आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो इस प्राइस रेंज में आपको ये कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है। बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपका 6.78 इंच के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 144 रिफ्रेश रेट के साथ। 2100 निट्स का पिक ब्राइटनेस है, 120 तो है ही, प्लस यहाँ पे आपको जो बेजल्स है दोस्तों, वो काफ़ी पतले पतले दिए हुए, आपको फील ही नहीं होगा कि बेजल्स इसमें है भी या नहीं, एकदम माइनर आपको बेजल्स आपको दिए हुए। तो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है, और 120Hz तो है ही, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल जाता है। कुछ वीडियो भी आपको यूट्यूब से प्ले करके दिखा देते हैं कि डिस्प्ले क्वालिटी इसमें कैसा आपको देने वाला है, यानी कि मल्टी मीडिया कैसा होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यूट्यूब से आप वीडियो प्ले करते हैं तो 4K 60 में HDR पे वीडियो प्ले कर सकते हैं, और वीडियो क्वालिटी कैसा रहेगा वो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये है आपका वन प्लस का नॉट 4 का डिस्प्ले क्वालिटी। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, लेकिन डिस्प्ले का क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा रेजोल्यूशन इसका कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर ब्ले वीडियो प्ले करते हैं, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, हाई पिक ब्राइटनेस का आप वीडियो इसमें प्ले कर सकते हैं, और साइड में आप फ़ोन को ज़रा मूव करते हैं तो वीडियो ज़रा सा भी आपको नेगेटिव फील नहीं कराएगा। फ्रेम रेट हाई है, प्लस साउंड की बात किया जाए तो यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर मिल जाता है, जो साउंड क्वालिटी काफ़ी इमर्सिव है, व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जब आप नॉर्मल आप रूम में आप वीडियो को प्ले कीजिए या ईयरफोन लगाइए तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। बढ़ते हैं दोस्तों इस फोन के हार्डवेयर की तरफ, तो यहाँ पे कंपनी ने आपको नया प्रोसेसर यूज़ किया, स्नैपड्रैगन का 7 Plus Gen 3, जो कि न्यूली प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर बेस काम करता है आपके, आराम से आप पबजी वगैरह इसमें खेल सकते हैं, 60 FPS पे वर्क करेगा। रैम रोम की बात की जाए तो इसमें 8GB RAM 256GB इंटरनल मिल जाता है। स्टार्टिंग प्राइस है दोस्तों 33,000 में, प्लस यहाँ पे बैटरी की बात की जाए तो इसमें 5500 mAh का बैटरी है, चार्जर तो हमने दिखाई दिया था, 100 वाट का फास्ट चार्जर है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 मिल जाता है, 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगा। तो सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस भी है, और
वन प्लस का यूआई है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस मिल जाता है, क्लीन यूआई आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे ब्लॉटवेयर दिख रहा है, जैसे कि आपको बबल्स प्रो मिल जाता है और यहाँ पे टाइटल मैच है, कुछ कुछ यहाँ पे ब्लॉटवेयर मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। फर्स्ट टाइम वन प्लस के फ़ोन में देख रहे हैं यहाँ ब्लॉटवेयर आपको मिल जा रहा है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप की बात की जाए तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट जो है आपको मिल जाता है आपको, और जो फ्रंट कैमरा दोस्तों 16 मेगापिक्सल कैमरा है। तो कुछ सैंपल हमने पहले से खींच रखे थे, उसका हम कुछ फोटो दिखा देते हैं। बैक कैमरा से फोटो खींचा हुआ है जो कि HDR में, यानी कि बैकग्राउंड का काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर करता है, जूम करने पे भी पिक्चर क्वालिटी फटेगा नहीं। और ये 2x में हमने खींचा हुआ है तो कलर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, तो डिटेलिंग आपको मिस नहीं होगा। प्लस वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल कैमरा है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा फीका फीका महसूस होगा आपको फ्रंट कैमरा में डिस्प्ले के कारण थोड़ा सा। और यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी कलर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से, बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, तो पोर्ट्रेट मोड में फोटो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। प्लस बैक कैमरा से हमने अल्ट्रा वाइड कैमरा में खींचा है तो थोड़ा सा जूम करने में थोड़ा पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा फटेगा, लेकिन कलर्स काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। और 1x जूम में नॉर्मल फोटो पे आप कलर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, डिटेलिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, बैकग्राउंड को कलर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है। और ये हमने 2x में खींचा था, 2x में डिटेलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से और क्लियर और ब्राइटर आपको यहाँ पे कैमरा क्वालिटी A to Z डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, शार्पनेस डिटेल मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड में भी खींचे हैं तो यहाँ पे 2x में बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे, यानी कि पोर्ट्रेट में भी अच्छे तरीके से फोटो को मैनेज कर पा रहा है। और ये नॉर्मल मोड में खींचा था, पोर्ट्रेट मोड में 1x पे भी तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। प्लस इसके बैक कैमरा से हमने पोर्ट्रेट मोड में हमने खींचा था तो पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहा है, कहीं कहीं बाल उड़ाने की कोशिश किया लेकिन मैनेज करने की कोशिश किया, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। प्लस मोड्स की बात की है तो यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की है तो 4K में यहाँ पे 60 fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे तरीके से मूवमेंट करेगा। और फ्रंट के में 4K का सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन 1080 में 30 fps पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ भी फ्रंट कैमरा से आप पोर्ट्रेट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोड ऑप्शन में जाने के बाद डुअल व्यू रिकॉर्डिंग मेरा सब चीज़ आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों फ़ोन की फाइनल वर्डी की तरफ, तो यहाँ पे बात करते हैं फाइनल वर्डी की तरफ, तो यहाँ के 33,000 में ये फ़ोन आता है। तो 30,000 मेरे में, अगर आपको सिर्फ कर्व डिस्प्ले नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, लुक एंड डिज़ाइन बेहतर चाहिए, एक ब्रांड चाहिए, तो आँख बंद करके इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप अपने लिए फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जाकर के 3,000 का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, ICICI क्रेडिट कार्ड या जो भी आपको क्रेडिट कार्ड से ऑफर मिलता है आप ले सकते हैं। तो 30,000 में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फ़ोन आपको मिल जाता है, कि प्रोसेसर डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा भी काफ़ी इमर्सिव है। तो अपने लिए फ़ोन ये परचेज़ कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।